पापा घर पर ही आ रहे हैं। हाय हंस, हाउ आर यू? वैसा डॉक्टर आती है, आपका कमाल है। बाकी लोग आते हैं तो खुद रिक्शा में आते हैं और सामान टेम्पो में लाते हैं। डॉक्टर आते ही सामान रिक्शा में भेजा और खुद टेम्पो में आ रहे हैं, बोला। हाँ वैसे एक बात है डॉक्टर आदि, आप जब भी आते हैं आपकी एंट्री बड़ी धमाकेदार होती है। सही बात है, कभी रिक्शा में फंस के आते हैं, कभी टेम्पो में रख के आते हैं। चलो चलो, अभी बहुत इंतजार हो गया, अभी नीचे आइए, उतरिए। हाँ हाँ, उतरता हूँ उतरता हूँ। अरे भाई टेम्पो वाले, हाँ इधर आओ। अरे भाई वो जो चढ़ते समय स्टूल दिया था वो लेके आओ ना, मुझे उतरना है। अरे साहब वो स्टूल दुकान वाले का था, दे दिया। अरे फिर मैं उतरूंगा कैसे? ले चलो चलो, मैं निकलता हूँ, दुकान में कोई नहीं है। नहीं हाँ, मेरे दुकान में भी कोई नहीं, मैं भी नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। अरे नहीं नहीं, जब तक मैं नहीं उतरता कोई नहीं जाएगा, प्लीज। ए भाई ये टेम्पो वाला भाई, इतना बड़ा टेम्पो तुमने रखा, एक छोटा स्टूल नहीं रख सकता तुम? अरे साहब ये टेम्पो है, इसमें रोज सामान उतरता है रोज चढ़ता है, इसमें स्टूल क्या जरूरत है? उसकी वो भी बात बराबर है। देखिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, घर पर एक स्टूल पड़ा है। गोली स्टूल लेकर आओ। यस वाली, जा जल्दी लेके आ भाई, इधर लेट हो रहा है सबको। कोमल आज खाने के लिए क्या बनाया है? अरे हंस, पहले उतरने की सोचना फिर उतरने की सोचना। हाँ हाँ। अरे गोली भाई, चला भाई, इधर रखो बेटा, ये तुम्हारे लिए। अब आराम से स्टूल पे पांव रख के उतर जाइए। अब्दुल जरा हाथ तो दे भाई, आराम स्टूल पे, आराम से एक एक करके। स्टूल पे पांव रखो आराम से और नीचे उतरो। हाँ, ट्राई करता हूँ, एक मिनट। हाँ, संभाल के आराम से। हाँ, पांव रखो, संभाल कर। हाँ बिल्कुल संभाल के। अब मैं उस स्टूल से नहीं उतरूंगा। अरे यार सोडी को बुलाते हैं, वो कुछ करेगा। हाँ भाई वो तो हमारी सोसाइटी का शक्तिमान है। अरे अरे यार सोडी 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 भाई, ए भाई रोशन सिंह सोडी। ओए पापा जी जल्दी है, ओ खुदाई। अरे ये हाथी भाई टेम्पो में क्या कर रहे हैं? अरे रोशन भाभी, हाथी भाई टेम्पो में आए और स्टूल से नीचे उतर रहे थे ना, तो स्टूल ही टूट गया। रोशन, डॉक्टर हाथी, कैसे हो? अरे कैसे हो? सरकार पोपटलाल, कब आए तुम? अरे बस तुम गए और मैं आया, क्या बात है, बड़ा घूम फिर के आ रहे हो। और ये नया टेम्पो कब खरीदा? अरे खरीदा नहीं, ये तो भाड़े का है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं भोपाल में था तब एक बार तुमने मुझे फोन किया था, लेकिन मैं किसी की शादी में गया था। ओ भाई पोपटलाल, ये अपने भूतकाल की बातें भविष्य में बताना, ओके? अभी डॉक्टर हाथी टेम्पो से बाहर कैसे आए ये सोचो। हाँ अच्छा, इतनी सी बात है? अरे मैं बताता हूँ, ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है। देखो हाथी भाई, आप एक काम करो, ऐसे 1 2 3 करके ऐसे। अरे देखा, आ जाओ आ जाओ हाथी भाई, आ जाओ। अरे कैसे कूद जाओ, आप भोपाल में थे वहीं अच्छे थे। बिल्कुल सही है, कूद जाओ, भूकंप आ जाएगा इधर। ओए हाथी ब्रा, तुसी फिकर ना करो, ये फौलादी शेर आ गया है, मैं यहाँ पे घोड़ा बनता हूँ, आप आराम से यहाँ कंधे पर अपना पैर रख के नीचे उतर जाओ। देखो अभी अभी शेर था, घोड़ा बन गया। रोशन सूख रहे चाहे। ओए पापा जी, सोड़ी पे संभल कर भी केयरफुल। सोड़ी आराम से। सोड़ी अरे भैया ये बच्चों का काम नहीं है, घोड़े पे हाथी का पांव, कोई हड्डी वड्डी टूट गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और मेहता साहब, मैं पंजाब का पुत्र हूँ, मेरे दादाजी सरदार महिंदर पाल सिंह सोडी जी, अरे उनके सीने पे से ट्रैक्टर का टायर निकल गया था, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और मेरे पिताजी सरदार हरजीत सिंह सोडी जी, अरे वो तो एक हाथ से ट्रक उठाते थे और दूसरे हाथ से टायर बदल डालते थे।
और मेरा भाई सरदार अमरजीत। बस बस भाई समझ गए तू भैया बराबर है। अच्छा तू बैठ जा, मैं आएंगे। लेट हो रहा है दुकान जाने। हाँ करो पकड़ो यार। आ रहा हूँ। संभल कर सोनी भाई। रोशन। रोशन। अरे, ये तो सपाट हो गए।